तो चलो मान लेते हैं कि आपको एक स्मार्ट वॉच परचेस करना है, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट का सेल वगैरह तो खत्म होने वाला है, लेकिन आपका बजट जो है ना वो 2500 का है, जिनमें आपको ब्लूटूथ कॉलिंग, AI, वॉइस असिस्टेंट जैसे फीचर्स और साथ में एमोलेड डिस्प्ले भी चाहिए विथ ए गुड बिल्ड क्वालिटी स्मार्ट वॉच और जिसका बैटरी बैकअप जो है ना वो भी सही रहे। तो उसके लिए मैंने एक सिंपल सा सॉल्यूशन ढूंढ के निकाला है, सॉल्यूशन नहीं, ये वाला स्मार्ट वॉच मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के निकाले, जो है बोल्ट रोवर अल्ट्रा। लेकिन परचेस करने से पहले आप लोगों को जो जानना बहुत जरूरी है उसके रिगार्डिंग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो इस डब्बे को ओपन करने के बाद आप लोगों को आपका स्मार्ट वॉच, एक चार्जिंग केबल और आप लोगों को आपका स्ट्रैप जो है उसको एडजस्ट करने का एक टूल देखने को मिलता है और साथ में एक यूजर मैनुअल भी डाला हुआ है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक स्मार्ट वॉच के लिए, जहां पर आप लोगों को फुल्ली मेटल बिल्ड आपको एक बॉडी देखने को मिल जाता है, साथ में 3 टाइप्स ऑफ आप लोगों को स्ट्रैप भी देखने को मिल जाता है। ये यहाँ पर मैंने चूज किया है वो सिल्वर वाला, लेकिन इसके साथ आप लोगों को और भी 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, एक ब्लैक लीदर का आता है और एक भी आता है ब्राउन मैग्नेटिक सिलिकॉन का। तो ये 3 टाइप्स वेरिएंट्स आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, जो आपको सही लगे आप लोग उसको परचेस कर सकते हो। लेकिन और एक भी एडिशनल चीज है कि अगर आप लोग इसको परचेस करोगे ना, तो ये डिब्बे के ऊपर लिखा हुआ है फ्री एक्स्ट्रा स्ट्रैप, एक स्ट्रैप भी एक्स्ट्रा आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इसके की एंड पोर्ट्स के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत बात कर ले, तो यहाँ पर आप लोगों को 2 बटन्स देखने को मिलता है, एक है वर्किंग क्राउन, सॉरी क्राउन है जो वर्क भी करेगा, इसीलिए मैंने इसको वर्किंग क्राउन कहा, और साथ में आप लोगों को एक एडिशनल बटन भी यहाँ पर डाला हुआ है, जिसके हेल्प से आप लोग आपके स्पोर्ट्स मोड जो है ना उसको आप लोग एक्टिव कर सकते हो, या फिर दूसरा कुछ भी चीज अगर आप चाहो तो कस्टमाइज भी यहाँ पर कर पाओगे। यहाँ पर डिस्प्ले में आप लोगों को 1.43 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसका पीक ब्राइटनेस ना 600 निट्स का है। सो इसको अगर आप लोग आउटसाइड में भी यूज करेंगे ना, तो आप लोगों को दिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इसका जो ब्राइटनेस है काफी बेहतर है और इसका डिस्प्ले क्वालिटी भी काफी तगड़ा है। एडिशनली इसके अंदर आप लोगों के इनबिल्ट माइक एंड डेडिकेटेड स्पीकर भी मिल जाता है, सो जिसके हेल्प से आप लोग यहाँ से डायरेक्टली कॉल पे बात भी कर पाओगे, या फिर म्यूजिक वगैरह भी यहाँ पर डायरेक्टली प्ले भी हो जाता है, जो मुझे काफी सही लगा। नाउ इट्स टाइम टू टर्न ऑन द स्मार्ट वॉच एंड इसका जो फीचर है ना, फीचर के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो नाउ इसके अंदर है ना आप लोगों को 150+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस देखने को मिलता है, जो कि आप लोग इसके जो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन को यूज करके आपके स्मार्ट वॉच में डाल सकते हो, अगर आप लोग चाहो तो कस्टमाइज भी कर सकते हो आपके नीड के अकॉर्डिंग। साथ में आप लोगों को ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसको आप लोग यूज कर सकते हो, तो बार बार वो हाथ उठा उठा के देखने का कोई झंझट नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसमें आप लोगों को ब्लूटूथ कॉलिंग का भी फीचर मिलता है, जिसके हेल्प से आप लोग यहाँ पर कॉन्टेक्ट को डायरेक्टली फोन कर पाओगे, रिसीव कर पाओगे, नंबर वगैरह डायल करके भी कॉल वगैरह कर पाओगे, क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड माइक डाला हुआ है, तो बात करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। और इसका स्पीकर का जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज्यादा लाउड है, तो आउटसाइड में बाइक राइड या फिर कुछ भी करने के टाइम जब आप लोग बात करोगे तो आपको सुनने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, जो कि बहुत इजीली हो जाता है। और बाकी रहा आपका सोशल मीडिया या फिर जो नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन में रेगुलर बेसिस आता है, तो आप लोग इसके एप्लीकेशन को यूज करके उसको भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हो, तो इजीली आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन वगैरह चेक कर पाओगे कि किसने मैसेज किया है या वगैरह 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 जो भी हो। सो अगर आप लोग हेल्थ फ्रीक हो ना, तो इसके लिए भी यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ सूट जो है ना वो भी देखने को मिल जाता है, तो उसको यूज करके आप लोग आपका रेगुलर बेसिस पे हेल्थ का चेकअप वगैरह या फिर ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन जैसे चीजों को आप लोग मॉनिटर भी कर पाओगे। और इस स्मार्ट वॉच के अंदर आप लोगों को 120+ स्पोर्ट मोड्स जो है ना वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोग आपके एप्लीकेशन को यूज करके आप लोग जो भी इसको इनेबल करना चाहते हो, जो भी स्पोर्ट्स मोड को आप लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करोगे उसको यहाँ पर सिंक कर पाओगे, तो सिंक करने के बाद आप लोग डायरेक्टली इसी स्मार्ट वॉच में उसका ट्रैक जो है ना वो भी रख पाओगे। एडिशनली इसमें IPX67 का रेटिंग भी आता है, तो थोड़ा बहुत स्वेट या फिर बारिश में थोड़ा बहुत अगर आप लोग भीग भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ये आराम से वर्क कर जाता है। और बाकी अगर आप लोग इसको परचेस करना चाहते हो, तो आप लोग नियरेस्ट कोई भी रिटेल स्टोर में जाके इसको परचेस कर सकते हो, और इसका जो लिंक है लिंक भी मैं नीचे डाल रहा हूँ, आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर लेना। और ये वाला वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आके जरूर बता के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसे ही वीडियोस वगैरह आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पर मैं लेके आ सकूं। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में नए किसी अनबॉक्सिंग या फिर टेक वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर और हाँ गुड बाय।